डियर फ्रेंड, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओस का असर दिखाऊंगी कि सब्जियों पर कैसा हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे गोभी जो है उसमें ओस की वजह से बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है, पिंक पिंक से हो रहे हैं। तो जो भी गोभी पिंक हो रहे हैं उनको तो हम अभी हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके बाद में इसमें बताएंगे क्या उपाय करना है, जबकि मैं इनकी बहुत सुरक्षा के लिए रोज सुबह आके पानी इसमें छिड़काव करती हूँ। पानी से ओस का असर खत्म हो जाता है अगर सुबह सुबह पानी डाल दो। फिर भी थोड़ी सी इसमें गर्म खाद भी डालनी पड़ेगी और इसकी गुड़ाई करूंगी। तो यही मुझे आज करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को भी शेयर किया जाए। तो देखिए, इसको हम निकाले ले रहे हैं। ये इसकी जड़ बहुत नीचे थी, निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था ऊंचाई में। तो इसको देखिए, मैंने ये निकाल लिया। और इसके ये जो पत्ते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। इसके बनाएंगे हम किचन वेस्ट खाद में डालेंगे, जो ड्रम रखा है उसी में डाल देंगे। और इसके बाद में इसका भी कलर खराब हो रहा है। ये देखिए, इसका कलर ये ओस की वजह से ऐसा चेंज हो रहा है, पर्पल कलर हो रहा है। तो ये भी निकाले ले रहे हैं। और ये भी है, ये भी निकाल लिया। अब यहाँ थोड़ा इनको धूप लगेगी, जो बचे हुए हैं देखिए, जो बचे हुए हैं उनका बहुत अच्छा कलर है, ये चल रहे हैं। और इसमें मुझे अभी इतने गर्म खाद बना के रखी है, वो भी डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं सारे। अब क्या है, ज्यादा घने थे इसलिए इनमें धूप भी कम लग रही थी, धूप निकलती भी कम है। दिल्ली में तो धूप बहुत कम निकल रही है, अभी आई आज एक घंटे से निकली नहीं, तो सुबह से कोहरा छाया हुआ है। तो ये सब इसको क्यारी को खाली करे ले रहे हैं और इसकी गुड़ाई करके अभी इसमें हम लिक्विड खाद बना रखी है हमने, वो हम डालेंगे। तो आगे भी आपको और भी सब्जियां दिखा रहे हैं जिसमें पाले का असर, ये कोहरे का असर आया है, ओस का असर आया है कि नहीं आया, देखिए मेरी सब्जियों में। तो एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे, जिनका फेस मॉर्निंग की सनलाइट की तरफ होगा वो सब्जियां बहुत अच्छी चलेंगी। हमारी ये देखिए गोभी बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें पाले का कोई भी असर नहीं है। जो गोभी निकल रहा है वो सब अच्छे से सफेद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा शेड, ये ग्रीन शेड है, उसकी भी छाया रहती है। दूसरी बात है, सुबह सुबह की सनलाइट बिल्कुल सबसे पहले इन पर पड़ती है। ये देखिए, अब इसके टमाटर भी देखिए आगे, ये टमाटर के पौधों में भी यही है कि इसमें ऊपर से तो थोड़ा सा शेड की जो ग्रीन शेड लगाया उसकी सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरी बात सुबह की सनलाइट मिलती है। तो ये सब पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जहां पर सुबह की सनलाइट नहीं मिलती है तो वहां पर थोड़ा पौधों में इस समय दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से। तो या इतना तो कर नहीं सकते कि सारा ही शेड के नीचे रखें पौधे, तो बाहर रखना पड़ता क्योंकि बगिया इतनी बड़ी है। तो कुछ पौधे बहुत अच्छे हैं, उनका केयर करना पड़े, इतनी केयर नहीं करनी पड़ी। जो पौधों में ओस का प्रभाव पड़ रहा है उनकी केयर करनी इस समय बहुत जरूरी है। सर्दी से बचाने के लिए बढ़िया से बढ़िया खाद डालनी पड़ती है, और वो खाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लिक्विड खाद घर में ही बनाई है और वो आज हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लूं, इसके बाद में वही काम करना है। तो
ये किचन वेस्ट के ड्रमों से मैंने ये लिक्विड निकाला था। इसमें मैंने सरसों की खली मस्टर्ड केक डालकर इसको तैयार किया और ये अब हम पानी में मिलाकर अपने पौधों में देंगे। तो इससे क्या है, इसमें पौष्टिक तत्व भी बहुत मिलेंगे क्योंकि सारे छिलके फलों के और किचन में जो चाय पत्ती निकलती है, सब्जी के छिलके निकलते हैं, वो ड्रम में भरते हैं और उससे नीचे होल करके ही निकाल लेते हैं हम। तो ये लिक्विड इतना बड़ी फायदेमंद है और अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। और देखिए ये मैं पानी में डाल रही हूँ, ये 10 लीटर पानी है, उसमें हम 1/2 लीटर के करीब डाले दे रहे हैं और यही उन पौधों में मैं डालूंगी सारा। देखिए ये मेरा बनके तैयार हो गया घोल। तो ये मुझे करना था, यही मुझे आपको दिखाना है। ये देखिए हमारी ब्रोकली है, तो सभी पौधों की जड़ में मैं थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम करीब ये पानी मिक्स डालती जा रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी ब्रोकली चल रही है, बस इसमें थोड़ा सा ये अच्छे से खाद डाल देंगे तो और भी बेहतरीन ये बनके तैयार होगी ब्रोकली। ये देखिए सारी ब्रोकली हमारी तैयार हो रही है और इधर ये मटर की फलियां देखिए कैसे लगी हुई हैं। तो आज यही सब में डालना था। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे जो भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।